सो हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पर बात करेंगे जो कि बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। ये आपके प्लांट में वर्क के हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में ये अक्सर इंटरव्यू वगैरह में पूछ दिया जाता है कि आपका सर्विस एयर जो होता है और जो इंस्ट्रूमेंट एयर होता है उसमें जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि इन दोनों में क्या मेन मेन डिफरेंस है। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सर्विस एयर वर्सेज इंस्ट्रूमेंट एयर, यानी इन दोनों को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, तो देखिए ये जो सर्विस एयर होता है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। ये सर्विस एयर के जगह आपको और भी अदर नाम देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सर्विस एयर के जगह आपका प्लांट एयर लिखा हो, प्रोसेस एयर लिखा हो, या आपका यूटिलिटी एयर लिखा हो, या आपका कंप्रेस्ड एयर लिखा हो, या आपका नॉर्मल एयर लिखा हो, ये अगर सभी नाम अगर कहीं पर भी लिखे हैं तो इसका मतलब सेम ही होता है। उसको आप प्रोसेस एयर बोलिए, प्लांट एयर बोलिए, सर्विस एयर बोलिए, सभी जो चीज़ें हैं वो सेम ही होता है, ठीक है। उनके प्रोडक्शन और उनके फंक्शन के अनुसार उनका नामकरण रखा गया है। ठीक उसी तरह इंस्ट्रूमेंट एयर जो है उसके भी फंक्शन के अनुसार उसका नामकरण रखा गया है, जिसको हम लोग अभी आगे समझेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग जो डिफरेंस है उसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो डिफरेंस है कि सर्विस एयर कंटेन हाई मॉइस्चर और कंडेंसेट। तो सर्विस एयर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो है ये जो एयर होता है उसमें आपका हाई मॉइस्चर होगा या कंडेंसेट होगा, जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं फाइन पार्टिकल्स उसी को ही कंडेंसेट किया जाता है। ओके, तो इसमें जो होता है सर्विस एयर में ये सब मौजूद होता है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट एयर देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट एयर इज नॉट कंटेन मॉइस्चर एंड कंडेंसेट। ओके, इसमें कोई भी मॉइस्चर या कंडेंसेट नहीं होता है। दैट मींस ये क्या होता है, ड्राई एयर होता है। ओके, नेक्स्ट क्या डिफरेंस है कि इट कंटेन फाइन डस्ट पार्टिकल, ऑयल पार्टिकल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर गैसेस। ये जो सर्विस एयर होता है इसमें कई सारे जो इम्प्यूरिटीज होते हैं, जैसे आपका फाइन डस्ट पार्टिकल हो गया, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो यूज किया जाता है उसके जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो मौजूद हो जाते हैं, ठीक है। जो एटमोस्फेरिक जो गैसेस होता है, जैसे आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या जो अदर गैसेस होते हैं, वो भी इसमें सभी चीज़ें जो है वो मौजूद होता है। ओके, और ये जो आपका क्या है इंस्ट्रूमेंट एयर अगर आप देखेंगे तो इट इज़ क्लीन एयर, ठीक है। इसमें ये पूरी तरह से क्लीन होता है, यानी कि इसमें कोई भी फाइन डस्ट पार्टिकल या ऑयल के पार्टिकल जो होते हैं वो मौजूद नहीं होते हैं। और इसमें जो मेनली जो गैस मौजूद होता है वो होता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट जो है कि इट प्रोड्यूस विदाउट यूजिंग एडवांस फिल्टर एंड ड्रायर। जो सर्विस एयर जो होता है वो उसका जो प्रोडक्शन किया जाता है कंप्रेसर के द्वारा, तो उसमें कोई भी ड्रायर का यूज नहीं किया जाता है या कोई भी आपका एडवांस फिल्टर नहीं लगा होता, नॉर्मल फिल्टर लगा होता है। ये जो सर्विस एयर है इसको आप अपने डेली लाइफ में भी देखे होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका जो बाइक है या जो कार है, अगर उसमें आपको हवा की जरूरत है, हवा का खत्म हो गया, तो जो हवा भराने के लिए जो आप शॉप में जाते हैं तो वहाँ पर देखें कि कंप्रेसर के द्वारा आपको एयर को फिलअप किया जाता है, तो वहां पर जो एयर का प्रोडक्शन किया जाता है वो सर्विस एयर ही होता है, ठीक है। अच्छा, उसमें ये सब जो सारी जो चीजें हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वहां पर देखेंगे आपका कोई भी ड्रायर नहीं होता है, वहां पे कोई एडवांस फिल्टर नहीं होता, वहां पर जो भी है नॉर्मल फिल्टर वगैरह लगा दिए जाते हैं। ओके, तो ये जो सर्विस एयर जो है इसको आप डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, बाकी इसका इंडस्ट्री में ह्यूज अमाउंट में इसका यूजेस है। ओके, इस इंस्ट्रूमेंट एयर को आप मेनली जो है वो आपको इंडस्ट्री में ही देखने का मिलेगा, जिसका प्रोडक्शन जो है वो एडवांस फिल्टर के द्वारा और ड्रायर के द्वारा किया जाता है। इसी एडवांस फिल्टर के द्वारा जो भी कंटामिनेंट से जो भी डस्ट पार्टिकल है वो रिमूव हो जाते हैं, और जो ये ड्रायर होता है, तो ड्रायर का मतलब क्या होता है, सुखा देना, तो जो मॉइस्चर है वो उसको सुखा देता है, उसको ड्राई एयर बना देता है। इसी ड्रायर की वजह से जब ड्रायर से गुजरता है तो वो ऑटोमेटिक जो एयर है वो ड्राई हो जाता है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है जो कि यूजेस के ऊपर है। तो जो सर्विस एयर होता है उसका मेनी यूजेस है, ठीक है, कई तरह के इसके यूजेस होता है, इसीलिए इसका नाम भी इसका यूटिलाइजेशन के अनुसार कई तरह से हैं। ओके, जैसे इट हैज़ मेनी यूजेस लाइक फॉर ड्राइविंग पंप एंड फैन, मटेरियल कन्वेइंग, क्लीनिंग पर्पज, ब्रीथिंग एयर, न्यूमेटिक टेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसका यूज आपका जो ड्राइविंग इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कई सारे पंप या फैन होते हैं वो न्यूमेटिक होते हैं, यानी कि वो एयर से चलने वाले होते हैं, तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। कई सारे जो मटेरियल हैंडलिंग होते हैं तो वो आपका एयर से ही होता है। आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपका कोई इक्विपमेंट का क्लीनिंग करना हो, वो भी आपका एयर के द्वारा अगर होना है तो वहाँ पर इसका ही सर्विस एयर का ही यूज करेंगे। ब्रीथिंग एयर के लिए भी इसी का यूज होता है, या न्यूमेटिक जो टेस्ट होते हैं कई सारे इक्विपमेंट का, तो वहाँ पर भी सर्विस एयर का ही यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी और कई सारे इसके यूजेस हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अगर इंस्ट्रूमेंट एयर का देखेंगे यूजेस, तो इट इज ओनली यूज फॉर इंस्ट्रूमेंट
पर्पस। ओके, यानी कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेशन के लिए यूज करेंगे, जैसे इट इज यूज फॉर ओनली फॉर न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व, न्यूमेटिक पावर सिलेंडर या न्यूमेटिक टूल्स ऑपरेशन। यानी कि जो कंट्रोल वाल्व होते हैं जो न्यूमेटिक है, यानी कि एयर से जो ऑपरेट होते हैं कंट्रोल वाल्व, और जो या पावर सिलेंडर है या टूल्स है, तो ये इनका जो ऑपरेशन होता है जो एयर के द्वारा होता है, तो वहाँ पर जो हम लोग एयर यूज करते हैं वो स्पेशली आपका इंस्ट्रूमेंट एयर ही यूज होता है, इसके अलावा आपका ये सब जो नॉर्मल एयर जो है वो यूज नहीं होता है। ओके, तो यही हो गया इन दोनों में मेन डिफरेंस। ओके, तो आई होप कि ये जो छोटा सा इन्फॉर्मेशन था वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी एक चीज़ याद रखिए कि ये जो सर्विस एयर होता है इसका हम लोग देखें कि क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा कि जो वर्क प्लेस है या इक्विपमेंट है उसके क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है। कई बार ये देखा जाता है कि जो वर्कमैन होते हैं काम खत्म होने के बाद वो खुद को क्लीनिंग करने लगते हैं इसी सर्विस एयर के द्वारा, तो ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो जैसा कि हम लोग ने यहाँ पे देखा कि इसमें कई सारे कंटामिनेंट्स, फाइन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल रहते हैं। ओके, तो ये जो आपका सर्विस एयर का यूटिलाइजेशन आप खुद को क्लीनिंग के लिए करेंगे तो ये एक हाई प्रेशर एयर होता है, तो हाई प्रेशर के साथ जब ये कंटामिनेंट्स आपके शरीर में आएंगे उसको स्ट्राइक करेंगे तो एक हाई इंजरी या इम्पैक्ट आपका हो सकता है, वहाँ पर आपको चोट लग सकती है, तो इसलिए खुद को क्लीनिंग के लिए इस सर्विस एयर का यूज नहीं करना। ओके, तो आई होप कि आप इसे समझे होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।